जय माता दी दोस्तों दोस्तों जैसा कि आपने मेरी पीछे वीडियो में देखा होगा मैंने नैनीताल जिले के अंतर्गत मुक्तेश्वर एरिया में तीन नाली लैंड मैंने परचेज किया है जिसकी रजिस्ट्री नैनीताल में हुई थी आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो उत्तराखंड से बाहर का आदमी है वो यहाँ पर ज़मीन खरीद सकता है लेकिन एक उसकी लिमिटेशन है एक फैमिली सिर्फ़ सवाओ नाली ज़मीन ले सकता है सवाओ नाली एक नाली में 240 गज आते हैं सवाओ नाली में 300 गज तो 300 गज जगह आप ले सकते हैं तो मैंने यहाँ पर तीन नाली जमीन खरीदी हुई है जिसका भूमि पूजन वगैरह मैंने करा दिया और अब हम यहाँ पे एक कॉटेज बना के यहाँ बसने की तैयारी करेंगे क्योंकि यहाँ का वेदर यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है सुबह आज हम दिल्ली से मुक्तेश्वर के लिए निकले थे मौसम बहुत ही बढ़िया था दोस्तों हम शहर में रहते हैं दिल्ली एनसीआर जैसे जगह पे आपको पता है कि वहाँ पे पोल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या है इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है और स्वास्थ्य इशू तो हमेशा ही बना रहता है कई चीज़ों को लेके मेरे को डॉक्टर ने भी एक दो बार सजेस्ट किया है तो इसीलिए हम फैमिली के साथ यहाँ बसने का प्रोग्राम बना रहे हैं बाकी दिल्ली में मैं बीस साल से रह रहा हूँ दिल्ली ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है और उसके बदले हमने दिल्ली को पोल्यूशन और ट्रैफिक के अलावा हम लोगों ने कुछ नहीं दिया सारी व्यवस्था बिगड़ी पड़ी है सरकारें कुछ करती नहीं हैं बहुत ही बुरा हाल है इतनी ज़्यादा गर्मी है उमस है अभी हमने गाड़ी रोकी है और अभी हम थोड़ा भुट्टे का मज़ा लेंगे क्योंकि पहाड़ों में आप जगह जगह जहाँ भी जाते हैं छोटे छोटे से दुकानदार अपनी जीविका के लिए स्टॉल लगा के कोई सिकंजी पानी वगैरह बेच रहा होता है कोई भुट्टे वाले बैठे होते हैं तो थोड़ा सा हम लोग को रुक के इन्हें भी सेवा का मौका देना चाहिए दोस्तों हम पहाड़ों की ओर क्यों आकर्षित होते हैं क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा होता है यहाँ कैसी भी बीमारी हो अगर आप रेगुलर यहाँ रहने लगते हैं यहाँ का खान पान यहाँ का रहन सहन यहाँ का वायु इतनी अच्छी है कि आपका स्वास्थ्य में काफ़ी हद तक सुधार हो जाता है आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाती है आप यहाँ मेहनत करते हैं यहाँ पर जो भी पैदावार होती है वो शुद्ध ऑर्गेनिक तरीके से ही खेती की जाती है यहाँ पर सब्जियाँ फ्रूट्स जो भी पैदा किए जाते हैं वो वे प्योर और शुद्ध होते हैं उसमें कोई भी पेस्टिसाइड यूज नहीं किया जाता यूरिया खाद वगैरह यहाँ नहीं होता यहाँ गोबर के खाद का ही उपयोग किया जाता है दोस्तों ज़मीन तो हमने यहाँ पे ले ली है अब इस पर अगला चरण है कि यहाँ एक कॉटेज बनाना और पहाड़ों में कंस्ट्रक्शन का हमें कोई वैसा अनुभव नहीं है हमारा एक तो जो प्लॉट है वो मेन रोड से साठ से सत्तर मीटर मीटर नीचे को हो जाता है और कोई वहाँ पर गाड़ी वगैरह जा नहीं सकती यहाँ पर खच्चर के द्वारा ही मटेरियल की धुलाई होगी तो हम सोच रहे हैं बहुत बड़ा तो नहीं डबल स्टोरी में दो दो कमरे नीचे और एक कमरे ऊपर जो बड़े बड़े से कमरे हों ऐसा कुछ यहाँ पे हम म, मकान का कंस्ट्रक्शन करेंगे दोस्तों अभी पीछे मैंने एक वीडियो डाली थी उसमें किसी भाई साहब ने कमेंट किया था कि यूपी बिहार वाले कोई ऐसी जगह नहीं हर जगह पहुँचे रहते हैं तो भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूँ यूपी और बिहारी होना कोई पाप नहीं है आपके भी गुर्दों में अगर जान है आप में भी क्षमता है तो आप भी ले सकते हैं आपको किसी ने रोका नहीं है क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है वो हमें ये हमें इसकी इजाज़त देता है कि हम किसी राज्य के नागरिक ना होकर संपूर्ण भारत के नागरिक होते हैं हम भारत के किसी कोने में भी जाके रह सकते हैं प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं वहाँ बस सकते हैं ये सब करने के लिए भी ना गुर्दों में बहुत बड़ी जान होनी चाहिए सबके बस की बात नहीं होती है हम बीस साल से मेहनत कर रहे हैं पाई पाई जोड़ रहे हैं इतना कुछ हमने पाया बहुत कुछ हमने खोया तब जाके कोई एक चीज़ बनती है आदमी तो सिर्फ मुँह उठा के कह देता है कि यूपी बिहार वाले हर जगह पहुंच जाते हैं भाई मेहनत करने में कोई बुराई थोड़ी नहीं है कोई हम यहाँ चोरी चकारी तो कर नहीं रहे हैं आप भी मेहनत करो आप भी कामयाब बनिए आप भी अच्छी अच्छी चीज़ें लीजिए एक इंसान का शौक़ होता है लाइफ बहुत छोटी सी है आज है कल नहीं है एक ही बार ही जीना है आगे क्या होगा नहीं पता है तो सबके अपने अपने शौक़ होते हैं तो आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए बिहारी मेहनती होता है यूपी वाला मेहनती होता है मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ मुझे गर्व है ये मेरी जो संस्कृति है वो हमें मेहनत करना सिखाती है इसमें कोई बुराई नहीं है आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए भारत हमारा देश है यहाँ के सभी नागरिक मेरे भाई बहन हैं हम तो कभी किसी को वो नहीं करते कि हरियाणा वाले हैं आप भी मेहनत करो आप भी आगे बढ़ो किसी को किसी ने रोका नहीं है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये बात किसी को भी ना टारगेट नहीं करना चाहिए दोस्तों मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा सपोर्ट कीजिएगा जय माता दी दोस्तों यहाँ पे घरों में बहुत सारे लोग ना मधुमक्खी का पालन भी करते हैं बहुत ही देखने में बड़ा अच्छा लगता है ये छोटा सा आप होल देख रहे हैं इधर से जो सैनिक मधुमक्खियाँ हैं वो फूलों से रस लेके आती हैं और इसी के अंदर पीछे से मिट्टी का कवर करके एक जाली लगी होती है बहुत ही स्वादिष्ट साद होता है यहाँ का ऑर्गेनिक प्योर ये यहाँ से अपना प्लाट शुरू होता है तारबंदी आप देख रहे हो ये टोटल तीन खेत हैं हमारे ये पहला स्टेप स्टेप का खेत है ये टोटल 700 गज जगह है ये फर्स्ट स्टेप इस है इसमें फ्रूट्स के पेड़ लगे हुए हैं इसके बाद ये दूसरा तो स्टेप नमस्कार जी नमस्कार पूरन जी पंडित जी नहीं पहुंचे क्या अभी एक बार फोन करवा दो ना ये दूसरा खेत है इसमें बहुत सारे फ्रूट्स के पेड़ लगे हुए हैं और ये तीसरा खेत है ये तीसरा खेत है ये तीन खेत हैं ये पूरन जी हैं जो यहाँ देख रेख करते हैं हमारे दोस्तों अगर आप लोगों में से किसी को भी यहाँ कंस्ट्रक्शन का आइडिया है या यहाँ कैसे नक्शा और क्या बनना है क्योंकि यहाँ बर्फबारी भी बहुत होती है और ठंडा मौसम होता है तो थोड़ा आप लोग गाइड ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा जय माता दी